हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। भाई आज मैं सिखाने जा रहा हूँ ब्रेस्ट चिकन। मैंने मेरी मम्मी सिखाने जा रही है। तो मम्मी ब्रेस्ट चिकन क्यों खाती है वो बताओगे? जो चीज करती है हाँ उसको प्रोटीन मिले इसलिए। अच्छा, और उसमें दही तो मेरी मम्मी मुझे बताएगी कि मतलब ब्रेस्ट चिकन बनाते कहते। मम्मी मेरे को आता नहीं तो थोड़ा मैं सिखा देना, ठीक है? ये मम्मी ने दही डाला। मम्मी दही कितना डाले हिसाब से, मतलब जितना भी हिसाब से लिमिट हिसाब से, मतलब लिमिट से ना। और इसमें मम्मी क्या क्या डालेगा? और नमक। नमक कितना मम्मी? स्वाद अनुसार। थोड़ा सा थोड़ा सा नमक दे मम्मी ने। और मम्मी नमक के बाद अब हल्दी क्यों मम्मी? वैसे कलर के लिए, कलर के लिए हल्दी। और इसके बाद मम्मी इसमें क्या क्या बना रखा जो आपने पेस्ट बनाया, इसमें क्या क्या है? अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन, लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार, मतलब ज़्यादा या मतलब नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम, इसको जैसा पसंद। ठीक है, तो भाई हम लोग तो वैसे भी बंगाली लोग हम तो ज़्यादा ही खाते हैं, तो मम्मी इसको भर दिया है ये तो लाल मिर्च। और मम्मी इसमें इसमें क्या क्या मिला हुआ वैसे? इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसमें एक जो मार्केट में आता है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, वो कैसा होता है जो मार्केट में बना आया था? इसको करने के बाद आधा घंटा रखना है अच्छे से मिक्स करने के बाद। उससे क्या होगा मम्मी? उससे अच्छी तरह मसाला मैश हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। और वैसे भी जो ये बनाते हैं ना ब्रेस्ट चिकन का, वो बनता है देसी घी में। बहुत से लोग ना तेल में रिफाइंड बनाते हैं, तो उससे क्या होता है? वो अपनी चॉइस होती है, चॉइस होती है। किसी को तेल में बनाना है, तेल में बनाओ, सरसों की रिफाइंड की, देसी घी, मक्खन में भी। अच्छा नहीं, वैसे होता है ना कि मतलब हाँ प्रोटीन के लिए देसी घी ठीक रहता है बनाने में। तो भाई जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे, हम अपनी देसी घी भी बनाते हैं। और बहुत से लोग भाई जैसे मम्मी ने बताया भी, वो रिफाइंड में भी बना लेते हैं, उसमें भी बना लेते हैं भाई, तेल वेल भी बना लेते हैं, सरसों के तेल रिफाइंड, अपनी चॉइस के हिसाब से। तो ये देखो भाई प्रोटीन के मिक्स कर दिए, अब इसको आधा घंटा हम रख देंगे। आधा घंटा ढक के रखना है। तो मम्मी इसे फ्रिज में रखें या ऐसे नॉर्मली बाहर? ऐसे नॉर्मल बाहर ढक के। तो भाई ये देखो इस तरीके से रेडी हो चुका है ये, ठीक है? और इसे क्या मतलब किस तरीके से सेक रहा है? खाली नॉर्मली सेकना है जैसे पूरी हुई, जैसे पापड़ा वापड़ा सेकते है ना नॉर्मली, हल्के तेल घी में फ्राई करना है, हल्के घी में। ये देख लो भाई, जब ये अभी फ्राई करूँगा तब दिखा दो, ठीक है? अब इसके बाद जो प्रोसेस है हमारा फ्राई करेगा, ठीक है? उसमें हम किस में करोगे बनाओगे फिर आप? घी में। घी में चलो भाई, ये है नॉन स्टिक वाला होता है पैन, ठीक है? चलो जल्दी कीजिए। कुछ इस तरीके से भी जा रहा है एक एक करके। वैसे ये तो है भाई घी की खुशबू अलग ही आती है हमने। मतलब फिर कब तक तक पलटना है? तो कुछ अभी थोड़ी देर बाद पलटना है इसको, थोड़ी देर बाद इसको पलटना है। मतलब फिर भी कितना टाइम लगना है इसको ऐसे इस तरीके से? 5 मिनट। फिर 5 मिनट बाद पलटना है? 5 मिनट नहीं, जैसे ये थोड़ी देर बाद इसको पलटते रहो।
अच्छी तरह फ्राई करो उसको, अच्छी तरह बस होना चाहिए, ठीक है। तो मम्मी अभी हो गए ये लाल लाल तो हो गया अभी ये, नहीं अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। कितना, फिर भी कितना टाइम और लगेंगे, थोड़ी सी और। ओके, एक पीस का भी गर्म भी कैसा होगा? तो भाई ये क्या, इसमें रख दो गर्म हो भाई। तो एक जरा सा बाइट लिया मैंने, फिर तभी और होगा ये, तो जरा ट्राई करके देखता हूँ कैसा हुआ है। वैसे थोड़ा वाला ठीक है, मसाला वसाला सब मीडियम है, सही है, देखा जाता है उसका बॉडी। लेकिन यह है घी का स्वाद पूरा बुरा रहा है, हल्का सा और होगा लेकिन बढ़िया है। सो फाइनली मम्मी ने रेडी करके मुझे दे दिया है, कुछ इस तरीके से हुआ है रेडी, आप जैसे देख सकते हो पूरा मसाले के साथ। और भाई खाने में भी ना एक नंबर है चीज़, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे जैसे देख देख के मुझे पानी आ रहा है मेरे, तो अब मैं जाऊँगा सर खाऊँगा ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर आपको भी बनाना हो तो मैंने रेसिपी बता दी है, ठीक है, आप भी ट्राई करना ज़रूर, एक बार ट्राई करके बता देना कमेंट में कि कैसा है ये, ठीक है, ठीक है, जरूर।